क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में छोटी छोटी गलतियां भी आपके जीवन में बड़ी समस्या ला सकती है। आज हम बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कौन सी तीन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका भाग्य चमक उठे। हमारे घर में किचन एक ऐसी जगह है जहां पर नवग्रहों से संबंधित सारी वस्तुएं होती हैं। जिस प्रकार से हल्दी में बृहस्पति, दूध में चंद्रमा, तेल में शनि, ऐसे हर ग्रह का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपकी रसोई में दूध उबालता समय बार बार गिरता है तो ये अशुभ संकेत है। ज्योतिष आचार्य रवि शुक्ला बताते हैं कि दूध का चंद्र ग्रह से जोड़ा जाता है और अगर ये बार बार गिरता है तो ये चंद्र ग्रह के कमजोर होने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में आपको चंद्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय करना चाहिए। दूध का गिरना भी बार बार दूध का उफनना शुभ नहीं माना गया है। दूध उफने उससे पहले ही हमें उसको नियंत्रण में रख लेना चाहिए। यदि बार बार दूध का उफनना हमारे घर में होता है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो हमें यह चाहिए कि हमारे घर में दूध ज्यादा ना उफने। सनातन धर्म में सरसों के तेल को शनि देव से जोड़ा जाता है। अगर आपकी रसोई में बार बार सरसों का तेल गिरता है तो ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे शनि से संबंधित कई परेशानियां आ सकती है। इस स्थिति में शनि के उपाय करना लाभदायक होता है। यदि तेल गिर रहा है तो हमें यह जानना चाहिए, सरसों का तेल जो है शनि का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि सरसों का तेल बार बार हमारे घर में गिर रहा है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारा शनि जो है कमजोर हो रहा है या शनि से संबंधित पीड़ा हमें आने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में नमक का गिरना भी अशुभ होता है। नमक को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। अगर आपकी रसोई में बार बार नमक गिरता है तो ये आपके जीवन में परेशानियों के बढ़ने का संकेत हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको अपने घर के वास्तु पर ध्यान देना चाहिए और उचित उपाय करना चाहिए। दूसरा, नमक यदि घर में बार बार नमक गिर रहा है, हमारे हाथ से छूट रहा है या हम थोड़ा डाल रहे हैं और ज़्यादा गिर रहा है तो उसमें जान लेना चाहिए कि हमें चंद्रमा और शुक्र से संबंधित समस्याएं सताने वाली हैं या वह हमारे जीवन में उतरने वाली है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि नमक हमारे हाथ से ज़्यादा ना गिरे। अगर आपके घर में इन चीजों का गिरना बार बार होता है तो सबसे पहले आपको रसोई की साफ सफाई और व्यवस्थापन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ज्योतिष आचार्य की सलाह लेकर ग्रह को मजबूत करने के उपाय भी करने चाहिए। और सरसों का तेल बार बार हमारे हाथों से गिरे नहीं। तेल का गिरना बहुत अशुभ माना गया है, इसलिए घर में कार्य करें और हमारे हाथों से इन चीजों का बार बार गिरना ना हो पाए। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये थी रसोई में वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिष आचार्य अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।